सो है गाइस, आज का ये वीडियो होने वाला है कैटफिश के ऊपर। वो भी नॉर्मल एक्वेरियम कैटफिश नहीं, बेसिकली बोल सकते हैं पॉन्ड का मॉन्स्टर कैटफिश, रियल जो मॉन्स्टर कैटफिश होता है उनके ऊपर कि टॉप 10 ऐसा बेस्ट मॉन्स्टर कैटफिश कौन सा होता है एज अ पेट हम लोग रख सकते हैं। सो गाइस, आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और एक गाइस, और एक चीज़, अगर बैकग्राउंड से थोड़ा नॉइज है प्लीज़ गाइस इग्नोर कीजिए, क्योंकि गाइस आज बहुत ही अनाउंसमेंट हो रहा है। सो गाइस, आज का वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को एक लाइक करना, लाइक के बिना कहीं मत जाना। और ऐसा वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। चलिए गाइस, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, बेसिकली हम लोग का टॉप 10 लिस्ट में नंबर 1 में जो है, जो कि मेरे पास था पर मेरा आरटीसी वॉमिट करके उसे मार दिया था बेसिकली, जो कि इंडियन शोवलनोस कैटफिश। गाइस, इंडियन शोवलनोस कैट बाय मिस्टेक मैं खरीद लिया था, पर मेरे पास था बेसिकली, उसका साइज लगभग बोले तो 10 या फिर 9 इंच ऐसा कुछ साइज था। और बेसिकली जब आरटीसी ने वॉमिट किया तो एक दिन के अंदर ही वो मर गया था। सो बेसिकली बहुत ही उस दिन मतलब दुख हुआ था, मैं लाया था। पर बेसिकली ये जो है, ये पॉन्ड के लिए बोल सकते, क्योंकि गाइस इसका साइज लगभग 3.5 या फिर 4 फीट ऐसा तक जाता है, इसलिए गाइस इसका मतलब पॉन्ड होगा तो बहुत ही अच्छा होगा, टैंक में नहीं रखना है, ठीक हो, नहीं तो भाई टैंक में ओवरग्रो कर जाएगा या फिर टैंक कभी मतलब तोड़ भी सकता है। नंबर 2 में जो है मेरा फेवरेट कैटफिश, जो कि ऑब्वियसली रेड टेल कैटफिश ऑफकोर्स एक मॉन्स्टर कैटफिश है, ये आपके एक्वेरियम के लिए नहीं है, और फिर भी अगर एक्वेरियम में रखना चाहते हैं तो मिनिमम ऑफ 6x3x3 आपको मिनिमम टैंक साइज लगेगा, और एल्स यू कांट कीप आरटीसी इन नॉर्मल एक्वेरियम्स, ग्लास एक्वेरियम्स, यू हैव टू कीप इन पॉन्ड। सो गाइस, बेसिकली ये है पॉन्ड के लिए फिश, पर इसका साइज भी लगभग वैसा ही जाता है, 4 फीट 5 फीट ऐसा तक चला जाता है आरटीसी इजीली। और गाइस, ये है मेरा फेवरेट कैटफिश। नंबर 3 में जो है और एक फेमस कैटफिश, जो कि आज का टाइम पे थोड़ा रेयर हो गया है, जो कि है गुंज कैटफिश। गुंज कैटफिश मैं लास्ट टाइम जब गलीब गया था तब लाया था, तो उसका प्राइस जितना मेरे को याद आई थी 950 रुपीज़ या फिर 1100 रुपीज़ ऐसा कुछ था इसका प्राइस, मेरे को उतना अच्छा से याद नहीं। और अभी जो थोड़ा रेयर हो गया है गुंज कैटफिश, मैं ढूंढ रहा था मेरे खुद के लिए थोड़ा कम में, पर प्राइसिंग अभी थोड़ा हाई जा रहा है, इसीलिए गाइस खरीद नहीं सका उस टाइम गलीब में। और गाइस, ये जो है ये भी ऑब्वियसली पॉन्ड के लिए है, और ये बहुत साइज में भी बड़ा होता है, सो बेटर होगा आप लोग अगर पॉन्ड है आपके पास तभी गुंज कैटफिश खरीदे। नंबर 4 में जो है वो है टाइगर शोवलनोस कैटफिश, जो कि इंडियन शोवलनोस का बाहर मतलब फॉरेन वाला वर्शन है, जो कि टाइगर शोवलनोस कैटफिश, जो कि मेरे पास था पर मेरा भैया लेके चला गया, क्योंकि गाइस मैं उसे कभी भी मेरा आरटीसी के साथ छोड़ नहीं पाऊंगा, क्योंकि गाइस वो बेसिकली बहुत ही छोटा है, मेरा आरटीसी जो है बहुत ही बड़ा है, इसलिए गाइस कभी उन लोग का साइज इन फ्यूचर मैच नहीं होगा, दैट्स वाई मेरा भैया लेके चला गया, उनका टैंक में रखा हुआ है। TSN इज डूइंग गुड इन हिज टैंक, आप लोग में से बहुत कोई बोला था रखने के लिए, पर गाइस मैं रख नहीं सकता, ऐसा ही मेरा हालत है। मैं वो टाइगर शोवलनोस मैं खुद के लिए रहा था बेसिकली, मेरा देने का मन नहीं था पर कुछ कर नहीं सकते, ऐसा ही हालत था। तो बेसिकली ये भी आप पॉन्ड फिश बोल सकते हैं, क्योंकि गाइस ये टैंक में ओवरग्रो कर जाएगा, और अगर रखना ही चाहते हैं टैंक में तो आपको 12 mm टफ एंड ग्लास लगाना होगा, एक 8 या 6 फीट या फिर 7 फीट ऐसा टैंक में। नंबर 5 में जो है ये है वर्ल्ड्स कैटफिश, जो कि आप लोग इजीली यूट्यूब में गूगल में कहीं पे सर्च करेंगे इजीली मिल जाएगा। वर्ल्ड्स कैटफिश देखने में तो उनका सुंदर नहीं होता है, पर इसका जो पेट है बहुत ही मोटा, मतलब इसे देख के मेरे को बेसिकली हंसी आता है, मतलब ऐसा इसका शेप होता है बॉडी का, लंबा तो ज़्यादा नहीं पर इसका पेट मोटा होता है, यही देख के बेसिकली हंसी आता है। आप लोग कहीं पे यूट्यूब पे गूगल पे फोटोज़ कहीं पे सर्च कीजिए, ऑफकोर्स आपको वर्ल्ड्स कैटफिश मिल जाएगा। नंबर 6 में जो है वो है पातान फिश, या फिर हम लोग बोलते हैं बोअल माछ। बोअल माछ भी एक कैटफिश का ग्रुप में आता है, ये भी बेसिकली इंडियन शोवलनोस जैसा ही 3.5 या फिर 4 फीट जाता है, और ये ऑफकोर्स आप लोग खरीदेंगे नहीं, क्योंकि इजीली ये आप लोग को नॉर्मल दामोदर या फिर बैरेज में गंगा पे ये सब जगह पे अगर फिशिंग करेंगे तो मिल जाएगा, या फिर जो फिश मतलब बेचता है उन लोग से अगर मांगेंगे तो मे बी उन लोग लाइव पकड़ के आप लोग को दे देगा। बेसिकली ये उतना प्राइसिंग में खरीदने का कोई दरकार नहीं है, और बेसिकली ये भी आप लोग रख सकते हैं पॉन्ड में, क्योंकि गाइस ये भी बड़ा होता है और थोड़ा बहुत देखने में सुंदर होता है। नंबर 7 में जो है वो है रेड टेल कैटफिश का और एक वर्सन, जो कि एशियन आरटीसी या फिर एशियन रेड टेल कैटफिश। गाइस ये थोड़ा भी रेयर हो गया, उतना मेरे को देखने को नहीं मिलता है, पर मैं ये यूट्यूब में ये एक वीडियो में देखा था एशियन आरटीसी, मतलब देखने में मेरे को बहुत ही खूबसूरत लगा, सो आज का वीडियो में बेसिकली मैं ऐड कर दिया, इसके बारे में उतना लेवल का आइडिया मेरे को नहीं है। नेक्स्ट जो है वो है रिपशॉ कैटफिश,
गाइस रिपशॉक कैटफिश थोड़ा बहुत प्लेकोस जैसा देखने में होता है, पर इसका बॉडी में बहुत ही काटा होता है, मतलब काटा जो हम लोग का बॉडी में अगर चुभ जाए तो बहुत ही दर्द होता है, वैसा काटा होता है इनका बॉडी में। और ये भी एक मॉन्स्टर कैटफिश का ग्रुप में आता है। नंबर 9 में जो है वो है और एक सोबलनोस का टाइप जो कि जेब्रा सोबलनोस कैटफिश। जेब्रा सोबलनोस कैटफिश इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीएस्ट कैटफिश, और ये भी मेरे को लेने का बहुत दिन से शौक है, पर अनफॉर्चुनेटली ये जो है मेरे को मिल ही नहीं रहा है कहीं पे। हम लोग का लोकेलिटी में तो भाई मॉन्स्टर फिश ऐसा बहुत ही कम सेलर है जो लाता है, और मैं कोलकाता गली स्ट्रीट में जाके भी सर्च किया था जेब्रा सोबलनोस का, पर अनफॉर्चुनेटली मेरे को मिला नहीं। मैं एक बार मतलब गलीफ का ग्रुप में भी पोस्ट किया था तो बेसिकली कोई रिस्पॉन्स नहीं आया था जेब्रा सोबलनोस से। हाँ, टाइगर सोबलनोस से आता, पर जेब्रा सोबलनोस से बेसिकली नहीं आया था, सो तब मिला नहीं। इन फ्यूचर होप करता हूँ कभी मिल जाएगा। एट लास्ट नंबर 10 में जो है, जो कि एक रियल कैटफिश बोल सकते हैं, रियल मॉन्स्टर बोल सकते हैं, एक हिंट दे देता हूँ छोटा सा। ये कैटफिश जब आप लोग उठाएंगे, मैं एक वीडियो में देखा था, ये मतलब होता है कि नहीं या फिर एडिटेड है ये मेरे को नहीं पता है, मैं वीडियो में देखा था इसे। जब मतलब लोग उठा रहे थे हाथ में, तो ये बेसिकली मुँह से साउंड निकल रहा था, मेरे को ये कन्फर्म नहीं था पता, मे बी एडिट भी हो सकता है। सो गाइस आप लोग को अगर पता है तो कमेंट करके बोल सकते हैं, और गाइस वीडियो पॉज करके भी बोल सकते हैं कौन सा कैटफिश के बारे में बोल रहा, जो कि भाई इंसानों को भी खा लेगा, इतना ही बड़ा साइज होता है। सो गाइस दैट्स नन अदर देन पिराइबा कैटफिश। पिराइबा कैटफिश का साइज आप लोग ऑफकोर्स देखे, आप लोग का डबल चला जाएगा, और ऑफकोर्स आप लोग को ही उठा के खा लेगा बेसिकली। मैं एक वीडियो में देखा था, एक मतलब इंसान, दो इंसान जाकर पकड़ रहा था उसे, मतलब नदी से उठा रहा था पानी से, तब वो मुंह से साउंड निकल रहा था, मे बी एडिटेड भी हो सकता है, नॉन एडिटेड भी हो सकता है, मेरे को ज़रूर कमेंट करके बोल सकता है। सो गाइस ये वीडियो का डिमांड बहुत दिन से आ रहा था, मतलब एक सब्सक्राइबर दोस्त मेरा 3-4 दिन से बोल जा रहा था कि भाई कैटफिश के ऊपर बना, तो मैं प्रीवियसली एक बना चुका हूँ, मतलब ब्यूटीफुल कैटफिश और एक्वेरियम कैटफिश और पॉन्ड कैटफिश के ऊपर कभी नहीं बनाया। सो आज बना दिया मॉन्स्टर कैटफिश जो कि स्पेशली मेड है पॉन्ड के लिए, नॉट फॉर एक्वेरियम। एक्वेरियम में रखेंगे तब भी चलेगा, पर आपको मिनिमम ऑफ 6 फीट 7 फीट एक्वेरियम बनाना होगा, वो भी 12 mm टफेंड ग्लास से, क्योंकि 16 या फिर 18 mm ग्लास हम लोग का जो है इंडिया पे नहीं मिलता है, फॉरेन में मिलता है, पर हम लोग के इधर एक्सपोर्ट सॉरी इंपोर्ट तो नहीं होगा शायद। सो गाइस इसलिए आप लोग का 12 mm ग्लास से तो बनाना होगा, साथ में टफेंड ग्लास लगेगा, और एल्स वो जो ग्लास है इजीली ब्रेक कर जाएगा वाटर प्रेशर प्लस जो है फिश का भी धक्का मारेगा तो ऐसे ही टूट जाएगा। सो गाइस होप करता हूँ आज का वीडियो अच्छा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना, लाइक के बिना कहीं मत जाना, और ऐसा वीडियोस इन फ्यूचर रेगुलरली देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना होगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करना होगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन एकदम पहले मिल जाए। तो और एक गाइस और एक छोटा सा चीज़ बोलना चाहता हूँ, कल का वीडियो जो आने वाला है मेरा नया फिश अनबॉक्सिंग के ऊपर आने वाला है, जो कि है नेटिव फिशेस, और फिशेस के साथ कुछ ऐसा भी है जो कि भाई यूनिक है, नेटिव ही है पर यूनिक है। सो गाइस उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। सो गाइस चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।